वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज निहारिका। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये ऑरेंज मोनोक्रोम लुक। सो आई होप आपको ये वाला लुक जो है वो पसंद आएगा, क्योंकि आने वाले वेडिंग सीजन में आप ये वाला लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल एंड ईजी मेकअप लुक है। सो गाइज, जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। सो गाइज, सबसे पहले हम स्किन केयर करेंगे। फर्स्ट मैं जो है टोनर अप्लाई कर रही हूँ, एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी गुड वाइब्स का फेशियल सीरम। ये रोजहिप सीरम है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ मैं अब मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ VLCC का, एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लिप बाम, एंड इसके साथ जो है हमारा स्किन केयर कंप्लीट होता है। नाउ गाइस, मैं अप्लाई करूँगी शुगर का प्राइमर। इससे जो है मेरे जो पोर्स हैं वो फिल हो जाएंगे एंड काफ़ी अच्छा बेस लुक आएगा। बीच बीच में मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी रही हूँ। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी का इल्मिनेटर, और ये जो है एक्ट एज अ प्राइमर भी करता है, एंड आपके फेस में ये नेचुरल ग्लो देता है। आपका जो बेस है वो काफ़ी ग्लॉसी एंड ग्लोई लगता है। उसके बाद मैंने इनसाइड का फाउंडेशन अप्लाई किया है। इसमें मेरा शेड है 02। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, आपको जो है मीडियम टू हाई कवरेज देता है, एंड आपको जो है डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको जो है ब्लेंड करना है। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी ईजली ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं एक ड्रॉप और लूँगी, एंड उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि कवरेज की ज़रूरत है वहाँ मैं इसको अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो है मैं क्रीम कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, आगे मैं पाउडर कॉन्ट्रोल भी करूँगी। मैंने लिया है NYWay का कॉन्ट्रोल। काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रोल है गाइस, काफ़ी ईजली ब्लेंड हो जाता है, एंड हम अपने चीक्स बोन को, नोज़ को, फोरहेड को कंट्रोल करेंगे। एंड अब मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगी, एंड उसके बाद जो है हम सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से जो है अपने कंटूर को एंड अपने हाईलाइट को ब्लेंड करेंगे। सो गाइज, हमने अपना क्रीम कॉन्टोर एंड हाईलाइट को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नाउ मैं नायका का कलर करेक्टर पैलेट ले रही हूँ। इसमें से जो ऑरेंज शेड है उसको मैं एज अ क्रीम ब्लश जो है यूज़ करने वाली हूँ। अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे, नोज़ पे लेके मैं सेम ब्लेंडर से जो है ब्लेंड कर दूंगी। नाउ शुगर का मैं सेटिंग पाउडर ले रही हूँ, इसको अपने अंडर आई पे प्लेस कर रही हूँ फॉर बेकिंग, एंड इसी पाउडर से थोड़ा सा अपना फेस भी सेट करूँगी। दो आई शेडो पैलेट आज हम यूज़ करने वाले हैं, एक्चुअली तीन करने वाले हैं। अभी मैं आपको दो दिखा रही हूँ, एक मार्स का, एक एनके का। सो मार्स के पैलेट में से जो ये लाइट ब्राउन शेड है उसको एज अ ट्रांजिशन शेड हम यूज़ करेंगे। अपने क्रीज पे मैं जो है इसको ब्लेंड करूँगी। एक साथ कलर को पिक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लेकर जो है आपको ब्लेंड करना है, उससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। नाउ एनके के पैलेट से मैंने ऑरेंज वाला शेड जो है वो पिक किया है। बट गाइड, आफ्टर ब्लेंडिंग ये जो शेड है वो हल्का सा पिंकिश लग रहा था, सो मैंने मार्स के ही पैलेट से ऑरेंज शेड लिया है, एंड उसके बाद जो है मैं अपनी हाफ लिट पर जो है शेड को प्लेस करूँगी एंड देन ब्लेंड करेंगे। अच्छे से हमें इसे ब्लेंड कर देना है। नाउ ये स्विस ब्यूटी का मेटालिक पैलेट है, मेटालिक आई शेडो पैलेट है। इसमें से जो ऑरेंज मेटालिक शेड है वो मैं अपनी इनर कॉर्नर से लेके हाफ ऑफ लिट तक इसको प्लेस करूँगी। फिंगर से जो है मेटालिक शेड का जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा आता है। नाउ मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है, एंड दोनों कलर्स को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कोई भी हार्श लाइन ना रहे, एंड दोनों शेड जो है मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड करूँगी। अपने पाउडर को मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है, बेकिंग अच्छे से हो चुकी है। नाउ गाइज, अपने आईब्रो को अब फिल करेंगे। सबसे पहले मैंने स्पूली ब्रश से जो है आईब्रो के बाल को ब्रश कर लिया है। वेट एंड वाइल्ड के आईब्रो किट से जो है हम जो आईब्रोज में गैप हैं उनको फिल करेंगे, एंड उसके बाद जो है स्पूली ब्रश से मैं एक बार ब्रश कर लूँगी जिससे जो कलर है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। एंड गाइज, ये स्विस ब्यूटी का ट्रांसपेरेंट मस्कारा है, एंड इसको जो मैं अपनी आईब्रो पर प्लेस करूँगी एंड थोड़ा सा आई लैशेज पे, एंड उसके बाद मैं मेबलिन का आई लाइनर लगा रही हूँ। एंड आज हम जो है
विंग लाइनर लगाएंगे। उसके बाद मैंने मार्स का ही मस्कारा लिया है एंड अपनी अपर लैशेस पे एंड लोअर लैशेस पे मस्कारा को प्लेस करेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग। मैंने यहाँ पे एनके का कॉन्टोर पैलेट लिया है एंड लाइट शेड से जो है मैं कॉन्टोर करूँगी अपनी जॉ लाइन को, नोज़ को, फोरहेड को एंड उसके बाद नायका का मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। जो ये पीची कलर है वो जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हम ये मोनोक्रोम लुक कर रहे हैं गाइस। सो अब मैंने अप्लाई किया है हाइलाइटर, मार्स का बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, हाईली रिकमेंड करूँगी। जितने भी मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं सब जगह मैं अच्छे से हाइलाइटर लगा रही हूँ क्योंकि ये जो है हम पार्टी लुक क्रिएट कर रहे हैं वेडिंग फेस्टिवल, तो हमें ग्लो चाहिए तो हाइलाइटर अच्छे से लगाइएगा। इनर कॉर्नर्स को भी मैं सेम हाइलाइटर से हाईलाइट करूँगी एंड अपने ब्रोबोन को भी। के ब्यूटी का काजल है, काफ़ी अच्छा काजल है, सो मैं जो है यहाँ पे काजल लगा के एंड थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेके जो है मैं काजल को स्मच करूँगी एंड उसके बाद मैं सिस ब्यूटी की ही ये आई लैशेस लगा रही हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छी आई लैशेस हैं एंड उसके बाद मैंने लिप बाम लगा कर जो है ऑरेंज लिप लाइनर से अपने लिप्स को लाइन किया है एंड लैक्मे का ये ऑरेंज लिक्विड लिपस्टिक है उसको मैं लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, थोड़ी ट्रांसफ़र होती है बट अच्छी है। सो अब मैं थोड़ा सा अपने नोज़ के साइड में जो है पाउडर लगा के इसको डस्ट ऑफ करूँगी, काफ़ी क्लीन लुक आता है उससे। नाउ गाइज अब मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। मैंने स्मैश बॉस का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, इस तरह से ब्लेंडर पे ही लेकर मैंने जो है सेटिंग स्प्रे को लगा लिया है, इससे जो होगा हमारा आई मेकअप लुक ख़राब नहीं होगा। सो मैंने अपनी साड़ी पहन ली है, ज्वेलरी पहन ली है, इसका ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। सो गाइज आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। काफ़ी लोग जो है ऑरेंज कलर पहनना पसंद करते हैं इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है एंड इस करवा चौथ, दिवाली या नवरात्रे आप ये मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी ईजी सा लुक है। सो गाइज अगर मेकअप पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मीट यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।